हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत समय से आई वॉज ट्राइंग कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिससे आपके करंट के कुछ कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएँ। आज से कुछ 1 या 2 साल पहले मैंने हिंदू के करंट अफेयर्स डालने भी शुरू किए थे, बट आई रियलाइज्ड कि वो स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं करता। और मैं अभी भी देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको ऑनलाइन द हिंदू या ऐसे एनालिसिस कराते हैं। आई डोंट थिंक दैट इट इज़ बेनिफिशियल एट ऑल, क्योंकि इससे आप खुद अखबार पढ़ना छोड़ देते हो। और इसी वजह से मैंने उस सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया था, क्योंकि इस अखबार को पढ़ना, अगर आप एक यूपीएससी का या आप सिविल सर्विसेज का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये न्यूज़पेपर खुद पढ़ो, आप एडिटोरियल्स खुद पढ़ो। तो अब जो मैं आपके लिए सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको अखबार, पूरा अखबार नहीं कराऊँगा, मैं आपको हिंदू में आने वाला कोई एक कंसेप्ट डेली कराऊँगा, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका प्री के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके पास प्री के लिए मटेरियल आ जाएगा, साथ ही साथ आपके पास मेंस का भी यहाँ पर कवर हो जाएगा उस कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है? तो अब ये हम शुरू करेंगे। अब जैसे अगर आप देखो, आज है आपका 1 जुलाई 2020। तो 1 जुलाई 2020 में से एक कंसेप्ट जो हम यहाँ पर आज कवर करेंगे वो कौन सा है? अगर आपने न्यूज़पेपर देखा हो तो फ्रंट पेज पर ही हिंदू के आज के कोर इंडस्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 3rd मंथ, ये एक न्यूज़ थी। तो इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले, या ये न्यूज़ में बेसिकली क्या था उसको डिस्कस करने से पहले, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये कोर इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है? इसमें से हमारे प्री के सवाल पिछले सालों में पूछे भी जा चुके हैं, 2016 में इसमें से सवाल आ चुका है, 2015 में इसमें से सवाल आ चुका है, तो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। और आपका जो GS पेपर 3 होता है उसमें इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोर सेक्टर, अब देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 1951 में इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसाइड किया गया कि भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये प्राइम मूविंग फोर्स होएगा इंडियन इकोनॉमी का। प्राइम मूविंग फोर्स क्या होता है? जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करे, इकोनॉमी को आगे लीड करे, जिसकी डेवलपमेंट से, जिस पर्टिकुलर सेक्टर की डेवलपमेंट से पूरी इकोनॉमी ग्रो करे, बाकी के सेक्टर्स भी ग्रो करें, ठीक है? प्राइम मूविंग फोर्स एक लाइक यू नो ड्राइवर, जो बाकी पूरी जो इकोनॉमी है उसको चला सके, ठीक है? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को 1951 में जो है प्राइम मूविंग फोर्स बोला गया। हालांकि 2001 में, यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, 2001 में फिर ये देखा गया कि इंडियन इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड करती है, तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप जो है प्राइम मूविंग फोर्स नहीं बोल सकते। इसीलिए 2001 में इंडस्ट्रियल सेक्टर की जगह क्या कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी द प्राइम मूविंग फोर्स, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्राइम मूविंग फोर्स बना दिया गया। अब कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थी जिसको गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि वहाँ पर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। वो कारण क्या थे? कारण उनमें से कुछ ये थे कि जो ये सेक्टर्स थे, जो ये इंडस्ट्रीज थी, इनमें बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी जो प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं थी। और रिटर्न जो थी, जो रेट ऑफ रिटर्न था, जो प्रॉफिट था, वो भी इन सेक्टर्स में कम था। इसी वजह से गवर्नमेंट को ये सेक्टर अपने लिए रिजर्व करने पड़े, ठीक है? क्योंकि इंडिया अभी एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री नहीं था। जब इंडिया को आज़ादी मिली तब इंडस्ट्रियलाइज कंट्री इंडिया नहीं था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अगर आप बाकी की कंट्रीज़ को देखें, बाकी की इकोनॉमीज़ को देखें, उन्होंने भी कुछ ऐसे सेक्टर्स को रखा जहाँ पर सरकार ने बहुत लीडिंग रोल प्ले किया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ सेक्टर्स के ऊपर, कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। और इन इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज़ में या डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से इकोनॉमिस्ट्स बुलाते हैं। कुछ लोग इनको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज़, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है, कोर इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है, और कोर सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है? तो अब आपको पता चल गया कोर सेक्टर बेसिकली क्या होता है। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो इकोनॉमी के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और सिनोनिमसली इनके लिए ये वाली टर्म्स भी यूज की जा सकती हैं। ऑलराइट, अब अगर आप देखो तो इनिशियली ये जो कोर सेक्टर है, इंडिया का जो कोर सेक्टर है, इसमें 6 इंडस्ट्रीज रखी गई थी, ठीक है? अभी टोटल कितनी इंडस्ट्रीज हैं? अभी टोटल है 8 इंडस्ट्रीज। कोर सेक्टर में आपकी कितनी इंडस्ट्रीज आती हैं? 8 इंडस्ट्रीज आती हैं। तो 2013 तक इसमें 6 इंडस्ट्रीज थी। 2013 में इसमें 2 और इंडस्ट्रीज को ऐड किया गया कोर सेक्टर में, और वो 2 और इंडस्ट्रीज कौन सी थी? नेचुरल गैस की और फर्टिलाइजर्स की। तो यहाँ पर अब आपके लिए प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है
ठीक है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखो, यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, या पीसीएस अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम देख रहे हो, तो इस तरह के सवाल आजकल पूछने लगे हैं कि बताओ भैया एट कोर सेक्टर में 8 इंडस्ट्री हैं, 2 लेटेस्ट एडिशन कौन सी हैं, ठीक है, लेटेस्टली कौन सी ऐड हुई है। तो आप कह दोगे कि भैया 2 इंडस्ट्रियाँ लेटेस्टली ऐड हुई हैं, नेचुरल गैस वाली और फर्टिलाइजर वाली। तो इस तरह से आपको जो है चीज़ों को समझना है और खेलना है उनके ऊपर। अब 6 इंडस्ट्रीज थी 2013 में, अब कितनी है, 8 इंडस्ट्रीज। वो 8 कौन सी इंडस्ट्रीज हैं अभी देखेंगे। अब इन 8 इंडस्ट्रीज का, इन 8 इंडस्ट्रीज का जो ये कोर सेक्टर की 8 इंडस्ट्रीज हैं, एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में। बेसिकली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ देखता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और वो ग्रोथ देखने के लिए ना इस इंडेक्स में जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको वेट दिए गए हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से। तो अगर हम इन 8 इंडस्ट्रीज की, जो ये कोर सेक्टर में 8 इंडस्ट्रीज आती हैं, अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से इनका वेटेज देखें ना, तो 100 में से 40.27% वेटेज इन 8 कोर इंडस्ट्रीज की है। ये कभी कभी टाइम के साथ चेंज भी होती रहती है, तो इसके लिए आपको करंट स्पेसिफिक जो है अपना ध्यान रखना है। अभी करंटली इसका यही वैल्यू है, ठीक है, प्री में पूछा जा सकता है। अब ये जो 8 इंडस्ट्रीज हैं, ये कोर 8 इंडस्ट्रीज ये आपके सामने आ गई हैं ये, ठीक है। अब इन 8 इंडस्ट्रीज के भी अलग अलग जो है परसेंटेजेस हैं, वेटेजेस हैं। ये जो 40.27 है ना, इसमें से 11.29% जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है। ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस, अकॉर्डिंग टू द वेटेज इन आईआईपी। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आईआईपी की किसमें है, किसकी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की, फिर इलेक्ट्रिसिटी की, स्टील की आती है थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पर है कोल, फिफ्थ नंबर पर क्रूड ऑयल, सिक्स नंबर पर नेचुरल गैस, सेवन्थ पर 2.16 के साथ सीमेंट, और एट्थ पर फर्टिलाइजर। अब आपको ये नंबर याद नहीं करने हैं, कहीं आप ये नंबर याद करने बैठ जाओ 11.29, 7.99 तोते की तरह रटने बैठ जाओ, लेकिन ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स 2015 आई गेस, प्रीलिम्स 2015 में इस वेटेज के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सी इंडस्ट्री की है कोर सेक्टर में। सीधा सीधा सवाल आ गया था कि सबसे ज़्यादा वेटेज बताओ, ए बी सी डी में 4 ऑप्शन थे और आपको बताना है। तो अगर सिमिलरली अब ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए या आपके पेपर में आ जाए, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि भैया रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है, जो भी ये ऑप्शन में रहेगा आप इसको क्लियरली आंसर कर दोगे। और इन 8 इंडस्ट्रीज़ के आपको नाम भी याद होने चाहिए। आपको प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ये इस तरह से क्वेश्चन बना देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और अमंग द कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है, नीचे 5-6 इंडस्ट्रीज के नाम दे देगा, इन 8 में से जो होंगी वो आपका आंसर होगा और जो नहीं होगी वो हट जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब ये जो कोर सेक्टर होता है, अब क्यों, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि क्यों इसमें सरकार ने भागीदारी ली और प्राइवेट सेक्टर क्यों इसमें नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकली जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मैन पावर इसमें चाहिए आपको, ठीक है। तो उस समय पे प्राइवेट सेक्टर इतना हमारा यहाँ पर मैनेज कर नहीं सकता था, ठीक है, और अगर वो मैनेज कर भी लेता, किसी तरह से वो इन इंडस्ट्रीज को संभाल भी लेता, तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर्स की लो थी। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ तब हमारे लोग तो गरीब थे, उनके पास इतना पैसा था नहीं खरीदने को, तो वो पैसा ना, अगर उनके पास वो इस इन प्रोडक्ट्स के जो वो मैन्युफैक्चर करते, अगर इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रख देते तो वो वैसे ही ना बिकता सामान, ठीक है, तो प्राइसेस भी लो रखने पड़ते, उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती, तो अल्टीमेटली दे कुड नॉट हैव सस्टेन्ड इट। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इनको डेवलप करने के लिए जो है आगे बढ़कर हिस्सा लिया। अब देखते हैं आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, आईआईपी क्या होता है। तो आईआईपी इज बेसिकली एन इंडेक्स विच डिटेल्स आउट द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये ग्रोथ देखता है कि कितना कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी ये जुलाई 2020 है, तो ये देखेगा कि जुलाई 2019 में कितना था इन सेक्टर्स में, और जुलाई 2019 के मुकाबले जुलाई 2020 ने कितना ग्रो किया, या फिर जून 2020 में इतना था तो जून 2020 के मुकाबले जुलाई 2020 में कितना ग्रो किया। तो इसका मेन पर्पज ये होता है। अभी जो आईआईपी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्री के लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है,
हर महीने निकाला जाता है, 6 महीने में निकाला जाता है, 4 महीने में निकाला जाता है, साल में निकाला जाता है, तो आप कह दोगे कि 1 महीने में एक बार निकाला जाता है। निकालता कौन है? CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बॉडी है, ये निकालती है इसको, ठीक है। दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट, ये जो CSO होता है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए। जो बच्चे पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कब निकाला जाता है? देखो, 6 वीक्स आफ्टर द रेफरेंस मंथ एंड्स, मतलब कि जब जून एंड हो गया, अब जून के लिए निकालना है, तो जून का महीने के खत्म होने के 6 हफ्ते बाद जो है तब निकाला जाता है। यानी कि जब जून खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि जुलाई 1 को रिपोर्ट आ जाएगी जून की, जब जून खत्म हो गया तो मतलब कि 6 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी, ठीक है। तो ये एक इसमें लैग ऑफ 6 वीक्स में निकाला जाता है, ये भी आपके लिए फैक्ट हो गया, फोर्थ फैक्ट, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद फिफ्थ फैक्ट, बेस ईयर, कि कौन से ईयर के कंपैरिजन के साथ इसको निकाला जाता है। तो 2017 से पहले जो इसका बेस ईयर होता था वो होता था 2004-05, 2017 के बाद इसका बेस ईयर क्या कर दिया गया है, 2011-12। तो ये आपके लिए फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये पांचों फैक्ट्स इंडिपेंडेंटली भी आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं, कि सीधा सीधा सवाल पूछ लेंगे कि बताओ भैया IIP का बेस ईयर क्या है, जो 8 Core Industries का IIP है उसका बेस ईयर क्या है, ऑप्शंस ABCD, या स्टेटमेंट वाइज पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ 8 Core Sector Industries। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज कैरिड आउट ऑन मंथली बेसिस। स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज ब्रॉट आउट बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट नंबर 3, इट्स बेस ईयर इज 2004-05। तो आप क्या कह दोगे कि भैया थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट्स ठीक हैं, ओके। तो इस तरह से सवाल आपके बनेंगे। चलिए, अब जो न्यूज थी, जो 1 जुलाई 2020 के पेपर में, न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी, जहाँ से ये सारा कंसेप्ट हमने पढ़ा, वो थी कोर इंडस्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर थर्ड मंथ। आप सब जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि आउटपुट अगर आप देखें 8 Core Sector Industries का, तो ये 23% से श्रैंक हो गया, यानी कि कम हो गया मई 2020 में, और ये लगातार तीसरे मंथ के लिए ऐसा हुआ है, ठीक है, तीसरे महीने लगातार ऐसा हुआ है। ये डाटा किसने रिलीज किया था? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, ठीक है। अब अगर हम अप्रैल के मुकाबले देखें, तो अप्रैल के मुकाबले थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। क्यों इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है? क्योंकि अनलॉकडाउन वाली जो है प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अगर आप अप्रैल में देखो, तो अप्रैल में तो 37% कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तो मई में तो उल्टा और मतलब कम हुआ है थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ जो अब ओपनिंग होनी शुरू हो गई है। अब 8 सेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा जिसने वर्स्ट परफॉर्मेंस की वो है स्टील सेक्टर, जिसने 48.4% की जो है गिरावट देखने को मिली, और सीमेंट सेक्टर में 22% की गिरावट देखने को मिली। दो ये जो सारी न्यूज है ना, अब ये आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि जब आपका पेपर होगा तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मई के महीने में कितना गिर गया, जून के महीने में कितना गिर गया। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपसे मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, या इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरने के कारण क्या है, तो आप कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट दे सकते हो, ड्यू टू COVID-19, ठीक है, ड्यू टू COVID-19 और ड्यू टू द एपिडेमिक पेंडेमिक, ठीक है, ड्यू टू द पेंडेमिक दैट वॉज स्प्रेडिंग, ये जो है गिरावटें इस तरह से देखने को मिली। तो इंडिया को आगे से रेडी रहना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा से अराइज होती है तो किस तरह से डील करना है, ओके। उसके अलावा कोल प्रोडक्शन अगर आप देखो तो 14% से गिर गया, क्रूड ऑयल भी 7% से गिरी प्रोडक्शन, और नेचुरल गैस की 7% से गिरी, क्रूड ऑयल की 7% से, और नेचुरल गैस की 16.8% से गिरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में अगर आप देखें, जो हाईएस्ट वेट रखता है कोर सेक्टर इंडेक्स में, अभी हमने पीछे देखा था, वो 21% से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी 15.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज में, 8 की 8 इंडस्ट्रीज में से 7 इंडस्ट्रीज में गिरावट दिखी। सिर्फ एक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें एक्सेप्शन देखने को मिली, और वो थी आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नेगेटिव ग्रोथ की जगह पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि यहां पर मई 2019 के मुकाबले 7.5% इंक्रीज देखने को मिला। और इसके पीछे कारण जो है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खारिफ सोइंग सीजन आ गया, ठीक है, बीज बोने का समय आ गया, और दूसरा मॉनसून भी अभी तक जो है अच्छा चल रहा है, जो रिजर्वॉयर्स हैं वो अपने अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स की सेल जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसी वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप देख रहे हो कि कोरोना चल रहा है, फिर भी एक इंडस्ट्री में, क्योंकि कुछ और सिचुएशंस ऐसी बन गई, मॉनसून अच्छा आ गया, खारिफ अच्छा आ गया,
तो इस वजह से अब देखो इन्हीं एरियाज को आप अपने मेल्स के आंसर्स में हाईलाइट कर सकते हो कि कैसे एक सेक्टर के नेगेटिव इफेक्ट को आप बाकी के सेक्टर्स के पॉजिटिव इफेक्ट से या उसको बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये आप फॉर्डर पॉइंट्स यूज कर सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर इतना ही था। अगर आपके पास कुछ इसमें एडिशनल पॉइंट्स हैं या कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स ऐसी वीडियोज़ के मिलते रहें। सो ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।